ज्योतिष की समझ रखने वाले लोग रत्न के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं। रत्न कैसे आपकी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं, इसका अंदाजा उन लोगों को बहुत अच्छे से है जिन लोगों ने रत्नों को धारण किया हुआ है। रत्न आपके लिए लाभकारी तभी साबित होते हैं जब आप किसी ज्योतिष से सलाह लेकर पूरे नियम के साथ असली रत्न को धारण करते हैं, तब जाकर रत्न आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। यहाँ आपको हमने असली रत्न इसलिए कहा क्योंकि आज के समय में व्यापार को बढ़ाने के लिए कई लोग मार्केट में नकली रत्न को भी बेचते हैं। तो जब आप रत्न खरीदे तो उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करें। ज्योतिष में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को बदलने के लिए विशेषज्ञों द्वारा रत्न को धारण करने की सलाह दी जाती है और आज हम आपसे चर्चा करेंगे नीलम रत्न के बारे में कि आप किन परिस्थितियों में नीलम रत्न को धारण कर सकते हैं, कैसे नीलम रत्न आपको फायदा पहुंचाता है और साथ ही इसके क्या क्या नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नीलम को शनि से जोड़कर देखा जाता है। जिस तरह से शनिदेव की पूजा करने से लोग भयभीत रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से लोग नीलम धारण करने से भी डरते हैं। शनिदेव का मनपसंद रत्न नीलम हर कोई धारण नहीं कर सकता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीलम रत्न को लेकर ये मान्यता है कि अगर नीलम आपके अनुरूप है तो वह आपका जीवन ऐश्वर्य से भर देगा, लेकिन वहीं अगर नीलम आपके अनुरूप नहीं हुआ तो वह आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख सकता है। इसीलिए नीलम को धारण करते समय अत्यंत ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको बता दें किन लोगों को नीलम धारण करना चाहिए। रत्न शास्त्र के अनुसार कुंडली के ग्रहों और शनि की स्थिति को देखे बिना नीलम नहीं पहनना चाहिए। कहते हैं कि मेष, वृष, तुला एवं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आम तौर पर नीलम धारण करना अच्छा होता है। अगर कुंडली में चौथे, पांचवे, दसवें और ग्यारहवें भाव में शनि हो तो नीलम पहनने से बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं नीलम रत्न के फायदों के बारे में। अगर आपकी कुंडली में शनि किसी मुख्य भाव का कारक है तो उस भाव को मजबूत करने के लिए नीलम का प्रयोग किया जाता है। नीलम रत्न को पहनने से मन में तीव्रता आती है, व्यापार बदलाव करता है जिससे वह अपने आसपास को अच्छे से समझ सकता है। शनि रिसर्च का कारक होता है तो जब आपका मन शांत और तीव्र होता है तो आप अच्छे से शोध करने में सक्षम हो जाते हैं। वहीं नीलम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम पाया जाता है तो रासायनिक तौर पर आपके दिमाग को मदद करता है। कुछ खोज कर निकालने में अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, जो भी निर्णय आप लेते हैं वह अगर आप गलत ले रहे हैं तो आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। इससे आपका मन शांत रहता है। नीलम रत्न आपकी कुशलता को बढ़ाने का काम करता है जिससे आप किसी भी कार्य को गंभीरता के साथ करने में सक्षम हो जाते हैं। जब आपको लगे कि नौकरी में दूसरे लोग आपसे ज्यादा आगे निकल रहे हैं, आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, वैसी स्थिति में भी नीलम आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा आपको बताते चले, नीलम पहनने से पहले उसकी जांच करना बहुत आवश्यक है। नीलम आपको सूट करेगा या फिर नहीं, इसके लिए रत्न को नीले कपड़े में लपेटकर अपने तकिए के नीचे एक सप्ताह तक रखना होता है। इस दौरान देखें कि आपको कैसी नींद आ रही है। अगर नींद आपको अच्छी आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि नीलम आपको फायदा ही देगा। वहीं अगर आपको बेचैनी महसूस हो तो आपको नीलम धारण करने से
बचना होगा।